नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल भंडारी में। तो फाइनली देखिए, आपको उत्तराखंड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन रुड़की द्वारा सीट मैट्रिक्स ग्रुप ए यानी कि लेटर एंट्री की देखिए डेट इसमें, लेकिन 8 अक्टूबर 2020 की दिखा रहा, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए। ठीक है, तो देख लीजिए इसमें जैसे कि लिखा, इसमें एल्पाइन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यहाँ आपका इंस्टीट्यूट का नेम है। इस तरफ देखिए, एक तरफ इधर इंस्टीट्यूट का नेम है और इधर आपका देखिए प्रोग्राम नेम है। यहाँ इंटर की सीट है और यहाँ ITI बेस्ड सीट है। देखिए जैसे कि आपको दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर एल्पाइन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी नंदा की चौकी देहरादून, इसमें सिविल इंजीनियरिंग में देखिए आपका इंटर बेस आपकी 10 सीट है और ITI बेस 10 सीट है। तो आप देख सकते हैं इसी प्रकार से, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए नेक्स्ट, देखिए आपका एल्पाइन, एल्पाइन आप देख सकते हैं, देखिए कितनी कितनी सीटें आपका हरिद्वार में। और यहाँ पे मैं पढ़ के तो सबका नहीं बता सकता, लेकिन देखिए धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका ग्रुप है लेटर एंट्री वालों के लिए है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल में सेकंड शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है, सीट देख सकते हैं। जैसे कि लास्ट में देखिए दून इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऋषिकेश सिविल इंजीनियरिंग सेकेंड शिफ्ट में देखिए 5 5 सीटें इंटर बेस्ड और आपका ITI बेस्ड वालों के लिए। ठीक है, लास्ट में देखिए, सबसे लास्ट में क्या दिया है आपका, जैसे कि दून इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऋषिकेश मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेकेंड शिफ्ट 5 5 सीटें। देखिए फिर ये नेक्स्ट है आपका सीट मैट्रिक्स ग्रुप ए लेटरल एंट्री। ठीक है, लेकिन डेट इसकी 8 अक्टूबर आज ही की आ रही है आपका फर्स्ट राउंड के लिए। आपका देखिए पढ़ सकते हैं आप कौन से कॉलेज में कितने सीट हैं आपकी ITI और इंटर बेस लेटर एंट्री की। ठीक है, स्कोर कर रहा हूँ मैं से धीरे धीरे, आप देख सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट आपका फिर से लेटर एंट्री की, आपका सबकी सीट के बारे में इसमें दिया गया पूरा, ब्रांच वाइज और कॉलेज के नेम वाइज। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितने कितने सीट कौन से कॉलेज में दी गई हैं। ठीक है, तो लास्ट पेज है देखिए आपका, शायद फार्मेसी की भी दी है इसमें, देखिए सभी ब्रांचेस से रिलेटेड दी हुआ है। ठीक है, ये है लास्ट से आपका। ठीक है, तो ये था आपका लास्ट, ये आप देख सकते हैं कितनी कितनी सीट दी हैं। ठीक है, इंटर और यहाँ पे देखिए आपको क्या समझना है, ये आपका इंस्टीट्यूट नेम है, इधर इधर आपका प्रोग्राम नेम है। जैसे कोई सी भी इंजीनियरिंग होगी, सिविल इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल ITI ऑटोमोबाइल, और यहाँ सीट का इनका देखिए बंटवारा है, 5 5 सीट है इंटर बेस और ITI बेस। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिखाते हैं, देखिए ये तो ग्रुप ए का है। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिखाते हैं, देखिए ग्रुप ई का नेक्स्ट खोल लेते हैं हम। देखिए PDF आपका सीट मैट्रिक्स E1 फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए। ठीक है, ये देखिए आपका स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ सबसे पहले इंस्टीट्यूट नेम दिया है ऊपर आपका, देखिए आप देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा आपको, ये इस साइड में आपका इंस्टीट्यूट नेम है, इधर प्रोग्राम नेम, यहाँ OP देखिए कैटेगरी हो गई, ओपन कैटेगरी यानी कि जनरल, फिर OPPH ओपन फिजिकल यानी कि जनरल फिजिकल हैंडीकैप, फिर आप पढ़ सकते हैं OPAF OPFF ओपन गर्ल। ठीक है, यानी कि जनरल कैटेगरी में गर्ल 20 सीट, SC, फिर आप देख सकते हैं इतनी सीटें, इसी इस प्रकार से इसका बंटवारा किया गया है। ठीक है, SC ST और ये बैकवर्ड अदर बैकवर्ड जो भी है आप देख सकते हैं। देखिए मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप सारी सीटें पढ़ सकते हैं इसमें। ठीक है, लिखा भी है इसमें, देखिए सीट मैट्रिक्स ग्रुप ई डिप्लोमा इंजीनियरिंग डेट 8 अक्टूबर 2020 फर्स्ट राउंड, ये आज की डेट है। ठीक है, आपका इसमें आपको देखिए हर कॉलेज की हर ब्रांच वाइज सीट मिल जाएगी। ठीक है, कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ उसे। देखिए यहाँ आता आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, आपका कालाडूंगी नैनीताल। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए आपका नैनीताल की दिखाया है यहाँ पे आपका नरेंद्र नगर, फिर पंत नगर का आप देख सकते हैं, सीट देख सकते हैं कैसे डिवाइड किया गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए आपका KL पॉलिटेक्निक रोड के हरिद्वार, यहाँ पे देख सकते हैं आप इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में कितनी कितनी सीटें ओपन में 12 हैं, फिर
फिर ओपन PH6, ठीक है। तो इस तरीके से आप सीट देख सकते हैं कि कितनी सीट कितने ब्रांच में किस किस कैटेगरी में, ठीक है। नेक्स्ट पेज देखिए, आपका ये आ गया। तो ये मुझे UBTR की वेबसाइट से मिला था, ये पता नहीं मेरे में कैसे डाउनलोड हो गया, मेरे में शो कर रहा था। मैंने डाउनलोड करके सोचा कि इस पर आपके लिए एक वीडियो बना दूँ, ठीक है। तो आप ढंग से देख लें सीटें। धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कल। अगर लाइव काउंसलिंग की अगर हो सका तो मैं आपको लाइव काउंसलिंग प्रोवाइड कर दूंगा, लाइव काउंसलिंग की वीडियो, ठीक है। धन्यवाद।